गरियाबंद के कांडे केला में नए धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग की जा रही है। इसे लेकर सोमवार को नेशनल हाईवे 130 सी को जाम कर दिया था। दोपहर बाद जब वाहनों की लंबी कतार लगी तो पुलिस ग्रामीणों को सड़क से हटाने की कोशिश करने लगी। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। पथराव आधे घंटे तक चला, जिसके चलते पुलिस के 3 जवानों के सर में चोट आई तो वहीं एक एसआई के पैर में चोट आने से घायल हो गया। गुस्साई भीड़ ने अमली पदर पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया। कतार में खड़ी मालवाहकों को शीशे तोड़ दिए। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जो सुरक्षा में गए थे वही पुलिस महिलाओं पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। ध्रुवागुड़ी के बाद भीड़ अमली पदर थाना का घेराव करने पहुंच गए। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होते तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मतलब उग्र कैसे हुआ मारपीट की शुरुआत? हम लोग शुरुआत में बैठे शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए हुए थे और हमने जय जवान जय किसान का नारा लगाया और जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हमने धुरियागुड़ी राजमार्ग में हमने चक्का जाम किया। चक्का जाम करने के बाद शांतिपूर्ण चल रहा था, उसके बाद उच्च स्तरीय अधिकारी जो जिला से आए उसके बाद वो आने के बाद ना पूरे लाठीचार्ज और पत्थरबाजी में उतर गए, जिससे पब्लिक अपनी मान सम्मान के लिए महिला को मारपीट करते हुए देख करके न सहते हुए वो हम लोग भी क्या है सर उग्र में आ गए। क्या नाम लिखते हैं? मोतीलाल जगत। हमारी महिला को इतने मारने के बाद हमने आवेदन निवेदन कर रहे हैं, हमारे आवेदन को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। सर हम अपना कांडे किला में धान केंद्र खुलवाने के लिए जो है चक्का जाम करने का आवेदन दे चुके थे 7 तारीख को, तो मैडम को दे चुके थे और अपर कलेक्टर को दे चुके थे, तो उन्होंने ना आपका कांडे किला में धान केंद्र नहीं खुलेगा बोल करके वो डायरेक्ट हमारे आवेदन को ले गए और अंदर भाग गए, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए। आज क्या घटनास्थल पे क्या हुआ बताएंगे? घटनास्थल में सर हम लोग सभी ग्रामवासी और महिला और पुरुष सभी गए थे और वहाँ में अपना हक के लिए हम लोग लड़ने गए थे सर। लड़ने गए थे तो किसी तरीका से किसी लेडीज को ऊपर लाठीचार्ज करने का कोई हक नहीं बनता है, पत्थरबाजी की लाठीचार्ज के पुलिस की तरफ से पहले हुई। पुलिस की तरफ से पहले हुई सर, उसके बाद आप लोग की? जी सर। क्या नाम लिखते हैं? कांडे केरा के ग्रामीण जो धान उपार्जन केंद्र के लिए चक्का जाम किए हुए थे, उन्होंने हम समझाने का प्रयास कर ही रहे थे, इस दौरान वो उग्र हो गए और पत्थरबाजी करने लगे। इसमें कुछ वाहनों को नुकसान हुआ है, जो एक शासकीय वाहन थी सुमो हमारी उसको उन्होंने तोड़ फोड़ किए हुए हैं। जवानों को मिले थे? एक दो जवानों को हल्का चोट आई है। पर इसमें कौन कैसे लोग शामिल? ये कांडे केरा के ग्रामीण थे जो धान उपार्जन केंद्र की मांग रहे हैं। किसी कोई पॉलिटिकल लोग ग्रामीण